जिनाजिन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन मेंडर ने एक बार फिर यहाँ बड़ी तश्कील दी है और दो साल के बाद मेंडर में वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ। डाक बंगला मेंडर के अंदर मीटिंग के बाद तमाम सहाफियों ने रजामंदी से सुभाष बाली को दूसरी बार अपना प्रेसिडेंट चुना और यूं वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुभाष बाली जो मुंतखब हुए। पूरी जो वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बॉडी है उसे रिपीट किया गया है और इसमें कुशाल वानिया को है जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन और विशाल बसीन को एडवाइजर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया है। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट सुभाष बाली और एमएस नाजकी सीनियर जर्नलिस्ट क्या कहते हैं। पिछले दो साल से हमारे इलेक्शन हुए थे, दो साल के बाद मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और दोबारा मेरे को वहाँ प्रेसिडेंट दोबारा बनाया। जितने भी मेरे साथी हैं, अगर मेरे से कोई खामियां होंगी या मेरे से कोई गलती होगी, पहले भी अगर मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ कि मैं सबका काम ताल से सबके साथ चल चल के काम करूँ, बट मेरे में भी कई खामियां हैं, मैं नहीं बता सकता क्योंकि कुछ मेरी भी कमजोरियां हैं, कुछ मेरे साथियों की भी कमजोरियां थी, बट उस काबल मुझे फिर दोबारा इन्होंने मेरे समझा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है, जहाँ मुझे खड़ा करना है मैं वहाँ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल, मैं यहाँ के जितने भी पत्रकार हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आज हमारी एक डाक बंगलो मेंटर में यहाँ पर मीटिंग हुई है और जिसकी क्यादत जो है ये सैयद ताजीम अली काजमी साहब कर रहे थे और मेंटर के जितने भी साफ़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और आज दो साल होने को थे यहाँ पर जो वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जो बॉडी थी वो दो साल पिछले लगातार से यहाँ पर अच्छा काम कर रही थी और कई जगहों पर उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो सुभाष बाली साहब थे, जिसके कारण जो है आज मीटिंग में ये दोबारा तय पाया गया है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी बात वाकई राय के मुताबिक जो है सुभाष बाली जी को दोबारा जो है प्रेसिडेंट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन मेंडर का चुना गया है और इनको हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं और लिहाजा जितने भी यहाँ पे आए हुए पत्रकार हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे साथी यहाँ पर आए, उन्होंने अपना जो है कीमती टाइम यहाँ पे निकाला है और सुभाष बाली जी को दोबारा यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त किया गया है और मैं अमीद अपनी दिल की अमीद गहरियों से जो है बाली साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और तमाम जितने साथी यहाँ पे आए हुए थे उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुबारक है बाली साहब आपको बहुत बहुत कि आप एक यहाँ पे दोबारा सेकंड टर्म में चुने हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक।